171 ତମ ଜାତୀୟ ଆବାସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏକ ବିନ୍ଦୁରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ନମିତା ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଙ୍ଗ ଦ ହୋଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କନ୍ଭେନର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶୁଭ ଅପରାହ୍ନ ଏବଂ ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା। नीलाद्रो शंख मध्य सतदल कमले रत्न सिंहासन सर्वालंकार युत गगन रुचिर संयुत जाग्रचेन भद्राय वाम भागे रथ चरण युत ब्रह्मरुद्र वेदनं सुजन परिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि। परम करुणिक अनंत कोटि ब्रह्मांडर गौड़मणि कोटि कोटि ओडियांकर हृदय आराध्य देवता समग्र विश्व चराचर रसष्ट आनंद कंद परमानंद सचिदानंद अखिल रसघन विग्रह विश्व वेदनार विग्रह देवाधिदेव श्री श्री जगन्नाथ चरण कमल कोटि कोटि प्रणाम। आज आलोच्य विषय वस्तु श्रीमंदिर ओ श्रावण पूर्णिमा महर्षि महाविद्यालय रोवर रेंजर यूनिट आनुकूल्य आयोजित आज लाइव वेबिनार रे उपस्थित समस्त दर्शक बंधु को मु प्रथमे प्रणाम जनाउची। सम्माननीय सभापति डॉक्टर कंजु पटनायक महोदय अध्यक्ष महर्षि महाविद्यालय डॉक्टर कालीप्रसाद मिश्र चीफ पैट्रन नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भारत स्काउट्स एवं गाइड्स न्यू दिल्ली तथा स्टेट चीफ कमिश्नर ओडिशा स्टेट भारत स्काउट्स एवं गाइड्स लायन बीणापाणी दास महोदय आम संगे आज उपस्थित थी आम समस्त को आम समस्त मन रखी आमर अनुरोध को जे टाई पारि नत काली जहां को आम अनुरोध करूँ डॉक्टर आरती कर मैडम रिटायर्ड टीचर फ्रॉम डीएवी स्कूल एवं जड़े संस्कृति गवेषक जगन्नाथ संस्कृति गवेषक गवेषिका ता छड़ा बहुत किछि तांकर विषय कहिबार अछि। केवल एतिकि आमे जानिबा जो भॉइस को सुनि रथयात्रा समय रे धारा विवरणी रे महिला मानक भितरे सर्वोत्तम श्रेष्ठ स्वरटी को सुनुथिले तांकु आज आमे पाखरे देखिबा एवं आजिर ए कार्यक्रम रे आनुष्ठानिक भावे धन्यवाद देबे बीणापाणी चौधरी महोदय प्लस टू काउंसिल रे जे कार्यरत एवं ए कार्यक्रम रे जो वेद पाठ करिवे सुश्री इप्सिता श्लोक जगन्नाथ श्लोक गान करिवे हमर कुनी भाई कौप कौप दिव्यांशु पाढ़ी एवं समस्त टीम मेंबर माने ए वेबिनार रो स्वीटी ठरु आरंभ करी विस्मिता पर्यंत समस्ते यदि समस्त ना भी नने करछि समस्तंकर स्नेह श्रद्धा रे आज आम 171 तम कार्यक्रम करिया को जाउचे 171 तम नेशनल वेबिनार ये बहुत गर्वर कथा। आज आम सांगरे अछंती अन्यान्य राज्य रु बहुत भाई भौणी माने तेबे ममतार डोरी एक लेखा पठेछंती सुजाता पति भुवनेश्वर रु स्नेह ममतार डोरी रे बंधा जे भौणी रो राखी टीए राखी नुए सत भावर बंधन आत्मीयता भरी दिए बंदापना थली धरी भौणीटी भाई पासे जाई थाए राखी बांधी दे मिठाई कुआई ता पाउणा मागी निए राखी नुहे से तो ममतार डोरी अमूल्य संपद टीए विपद आपदे सहा हेबा पई भौणी को कथा दिए पवित्र संपर्क भावर संपर्क छलाना सेठी न थाए रक्त संपर्क भी हार मानी थाए आंतरिकटाती थाए मन जदि एक मत जदि एक संपर्क फाट आसे ना भाई भौणी को अतुट संपर्क केही भी भांगी पारे ना भाई भौणी को यही बंधन तो पुरातन कालु अछि जगा बलिया को सुभद्रा भौणी राखी परा बंधु अछि राखी पूर्णिमा रे एतिकि मो ओली भाई जेउटि भी थाओ प्रकृत भौणी किछि भी चाहेनि विपदेता साथे रहो विपदेता साथे रहो तेणु भौणी रो स्वाभिमान रो
रक्षा कवच होची भाई से ही होची तार रक्षक तेणु जुगे जुगे यही नीति को आम देखी पारिचे आम संस्कृति जगन्नाथ संस्कृति सहित ओतप्रोत भाव जड़ित माँ सुभद्रा देवी कांपल्यवासिनी माँ सुभद्रा देवी से किपर तर भाई को राखी बांधती सहित बलभद्र बड़ ठाकुर जन्मदिन एवं परिशेष श्रावण पूर्णिमा एक तीन कार्यक्रम आज एक मिलन पर्व कहले अत्युक्ति हेब ना तेणु आम समस्त जानचे ये जो बण पूर्णिमा हूँ श्रीमंदिर अनुषित होता महत्वपूर्ण पूर्णिमा हूँ राखी पूर्णिमा एवं जो दिन की आम बलभद्र जन्म यही दिन टी श्रावण पूर्णिमा जो दिन आम सुभद्रा भाई मान सुभद्रा माँ सुभद्रा दुई भाई को हाथ में राखी बांधि दिखती ये परंपरा ये परंपरा विषय आज आम शुणा डॉक्टर आरती कर मैडम को आनुष्ठानिक भाव मैडम को आम स्वागत करिबा वर्तमान मु अनुरोध करी सुश्री ईप्सिता को ईप्सिता महंती महर्षि महाविद्यालय छात्री परीक्षा सत्य आज आम गहन अच्छा आम पाखे अच्छा बेदपाठ करने अनुरोध करी परे परे प्रस्तुत रही दिव्यांशु पाड़ी गणपति गुं हवामहे कविं कवीनामुपम शवसमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आन शृण्वन्नोतिभिस्तेदसाधनं प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनावित्रवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम निधनपतये नमः निधनपतांतिकाय नमः ऊर्ध्वाय नमः ऊर्ध्वलिंगाय नमः हिरण्याय नमः हिरण्यलिंगाय नमः सुवर्णाय नमः सुवर्णलिंगाय नमः दिव्याय नमः दिव्यलिंगाय नमः भवाय नमः भवलिंगाय नमः शर्वाय नमः शर्वलिंगाय नमः शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः ज्वलाय नमः ज्वललिंगाय नमः आत्माय नमः आत्मलिंगाय नमः परमाय नमः परमलिंगाय नमः एतत् सोमस्य सुरस्य सर्वलिंग
तापयति पाणि मन्त्रं पवित्रं सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवे नाति भवे भवस्व माम् भवो भवाय नमः वामदेवाय नमः ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकर्णाय नमो बलविकर्णाय नमो बलाय नमो बलप्रथमाय नमः नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। थैंक यू, धन्यवाद। वर्तमान अनुरोध करी ओडिशा राज्य स्काउट्स एवं गाइड्स राज्य मुख्य कमिश्नर तथा जातीय स्तर उपसभापति महोदय डॉक्टर काली प्रसाद मिश्र को आनुष्ठानिक भाव उद्घाटन करने वर्चुअली वर्तमान डॉक्टर केपी मिश्र सर द चीफ पैटर्न ऑफ दिस वेबिनार इनॉग्रेटिंग दिस 171 नेशनल वेबिनार टाइटल बीइंग श्रीमंदिर और श्रावण पूर्णिमा। दिव्यांशु पाढ़ी 9 वर्ष तार तार आशीर्वाद तो आम कह तार से सुंदर कंठ रे द्विपद श्लोक बोल दे आम आरंभ कर आज कार्यक्रम। दिव्यांशु पाढ़ी मैडम नमस्कार। नमस्कार, मो ना दिव्यांशु पाढ़ी मु डीएपी पब्लिक स्कूल बनबाल रो क्लास कक्ष 5 रे पढ़े। मु आज जगन्नाथ अष्टकम आवृत्ति करिया पय जाउची। वक्रतुण्डा महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ कदाश्चित् काळन्ति तटविपीण सङ्गीतकरो मुदा भीरी नारी बदन कमला स्वाद मधुपा गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे भुजे सव्ये वेणु शिरसि शिखी पिञ्छं कटितटे नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महाम्बोधेस्तीरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन् प्रासादन्त सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थः सगळसुरसे बाबशरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कृपापारो वारो सजल जलद श्रेणी रुचिरो रमाबाणी राम स्फुरद मळ पद्मे क्षण सुख सुरेन्द्रैरन्द्यो श्रुति गण शिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे।
धन्यवाद थैंक यू वेरी मच अजी हम गहनरे अछन्दि डॉक्टर श्रीमती आरती करो जहांकर जन्म होउची हमें समस्त जानिबा पई कि निश्चित भाबरे कहिबी से सालेपुर अंचल रो झियो हेले मध्ये मां शांतिलता देवी एवं पिता स्वगत नारायण चंद्र करो दुहिंकर से जने आशीर्वाद रो पुत्री कहिले अतिथि हेबो नाही रेवेन्सा महाविद्यालय 1983 मसीहा रे स्नातकोत्तर डिग्री पाइबा परे परे उड़िया राज्य राम साहित्य संपर्क गवेषणा कर 1993 मसीह उत्कल विश्वविद्यालय पीएससी उपाधि प्राप्त होते 600 रु ऊर्ध प्रबंध एवं अल्प कविता प्रभृति विभिन्न पत्र पत्रिकार प्रकाशित होती 8 नंबर डीबी स्कूल स्नातकोत्तर ओडिया शिक्षयत्री भाव में दीर्घ 38 वर्ष कार्य करी सेवार निवृत्त होती जदि अवसर रही अवसर पर पुणी जोग दे जगन्नाथ संस्कृति गवेषण प्रकाशित पुस्तक भितरे मझी खंड जोड़ा गोटे गल्प संकलन एवं अन्य कवि प्रसाद मिश्र जीवन चरित उत्कल प्राण सच्चिदानंद जीवन चरित्र शुद्ध व्याकरण सौरभ वाणीकंठ निमाई चरण जीवन चरित पुण्यात्मा गोपबंधु जीवन चरित्र उत्कल लोक संस्कृति उन्नयन प्रबंध संकलन तथा सीता सावित्री जैसे प्रबंध संकलन एवं अन्य बहुत गुड़े कलम राइटिंग बाहर विभिन्न पत्र पत्रिकार ये सब कहार उद्देश्य है ओडिया माटी को ओडिया साहित्य को इत्ते भल पाती जहाँ आपण मैंने कथार काव्य संकलन प्रबंध संकलन निश्चित भाव देखा पाइबे आज कार्यक्रम आम समस्ते जाचे श्रवण नक्षत्र मकर लग्न बलभद्र देव जन्म बड़ ठाकुर जन्मदिन को आम जपरी मन मन रखी था मन पकई था सेमती लग्न श्रीमंदिर केवल बलभद्र जन्मतिथि अनुष्ठित हुए ता नुहे श्रावण पूर्णिम झूलण पूर्णिमा होता है श्रावण दशमी ठार भाद्र कृष्ण प्रतिपदा ये सात दिन धरी पुरी जिलार सब मठ रस राज सब श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण दादा को नहीं झूलण जाता महासमारोह तेरे ये दिन महात्मा विषय आमे सुनिबा आज डॉक्टर आरती कर मैडम को ठारू अनुरोध करी मैडम अनम्यूट करिबे एवं तांकर अभिभाषण व्यक्त करिबे मैडम जय जगन्नाथ जय बड़ ठाकुर श्री बलभद्र जय माँ कंपिल्य वासिनी माँ सुभद्रिके जय प्रभु शक्तिराज सुदर्शन ए समस्तंकर अभय पाद तले मोर अनंत कोटि प्रणाम त्वमेव जगतां नाथ त्वमेव परिपालक उग्र रूपश्च संघर्ता त्वमेव परमेश्वर दारु ब्रह्म प्रणत्यादो कोटिलिंगेश्वरं तथा क्षेत्रकल्पतरुं कुर्वे सर्वलोक हिताय च जगदानंदकंदाय प्रणतार्ते हराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः दुर्भ्यां शोभितलांगलं समुसलं कादंबरी चंचलं रत्नाढ्यं वरकुंडलं भुजबले रक्तांत भूमंडलं वज्राभामल चारुगंडजुगलं नागेन्द्र चूडोज्वलं संग्रामे चपलं शशांकधवलं श्रीकामपालं भजे श्रीकामपालं भजे सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरे नारायणे नमोस्तुते
शरणागत दीनार्ता परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि देवी परम सुखम रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिशो जहि। आज आभासी कार्यक्रम उद्यक्ता ओ समस्त हरिकथा प्रेमी श्रद्धालु साधु समाज को मोर भक्तिपूर्ण प्रणाम। आपण मानकर ए पवित्र अनुष्ठान 171तम कार्यक्रम मते जोग देबार सुजोग दे आपण माने मते विशेष भावरे धन्य करिछंती। विशेष करी सुदर्शन साहू सार ओ नमिता मैडम कर एकांत अपनार परे कथाबार्ता हे मते आपण मानक गहन को आनी परिछि। वास्तविक वसुधैव कुटुंबकम आउ कौन के केही कहा को न जाने मध्य आत्मीयता सूत्र रे परस्पर परस्पर सह जोड़ी हेबाटा तो एक परिवारत्वर लक्षण जहा कि बोध हुए आपण मानक अनुष्ठान मुख्य आभिमुख्य। आज एही कार्यक्रम मुख्य डॉक्टर काली प्रसाद मिश्र सर अनुष्ठान सभापति महाविद्यालय अध्यक्ष मंजू मैडम जहां मध्यम मु आपण मानक गहन को आसीबार सुजोग पाई से भक्तिमती महिला डॉक्टर नमिता पटनायक बीणा मैडम ए समस्त को पुणी थरे मोर प्रणाम और साधुवाद आउ अनेक अनेक स्नेहाशीर्वाद मोर से दिव्यांशु पाढ़ी को जे कि डीए भी बंदवाहल छात्र ए टिकक पूर्वरु आमको जगन्नाथ स्तोत्र सुनाइले। आजर विषय वस्तु संपर्क रे नमिता मैडम कहि देछन्ते जे विषय वस्तु श्री मंदिर ओ श्रावण पूर्णिमा। वास्तविक ओडिसा संस्कृति कहिले जगन्नाथ संस्कृति को बुझाए। श्री मंदिर रो ना सुनु सुनु आम आखि आगरे उद्भासित होई उठंती सही अर्चा विग्रह माने श्री मंदिरे ठाकुर तीनोटी भाई भोनी एकाठी रहंती जने कोला जने गुराटी आओ मझीरे से चंद मुहिटी। श्री मंदिर एपरी एक स्थान जोठी बार मासरे तेरो जात्रा सतेईस उपजात्रा सहे आठ पर्व पर्वाणी रे सदा सर्वदा कलमुखरित होई थाए से परिवेश। आउ प्रभु श्री जगन्नाथ एपरी रहस्यमय जे तांकु दर्शन मात्रे से मने हुंती महासमन्वयर प्रतीक भली। सत्य बा कुशली आर्य कलाकार कला चातुर्य शोभा पाउछी से परिपूर्ण पूर्ण ब्रह्म कठारे। कि लावण्य कि सौंदर्य जहाँ को वर्णना करने को जाए शब्द भंडार जेपरी सरी जाए सिना तार रूप वर्णना सरी पारे नाही। गीत गोविंदर स्रष्टा ओडिसार गर्व और गौरव कवि जयदेव भाषा रे अभिनव जलधर सुंदर हे ध्रुत मंदर हे श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। वास्तविक कि अनिंद्य से रूपर ठाणी ए जगत को अभिभूत करिदेला बाला आमर ठाकुर। तांकु दर्शन मात्रे व्यक्ति भूली जाए तार व्यक्ति सत्ता आकर्षित होई जाए से परम ब्रह्म निकट को। ताकु मने हुए प्रभु जेमती ताकु ही केवल एक लयरे चाहि रही छंती
ସତରେ କି ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋର, ଏହା କେବଳ ଜଣଙ୍କର ନୁହେଁ, ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନତା ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଠିକ୍ ଏଇ ଅବସ୍ଥା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି କାଳିଆ କଳା ଠାକୁର କେବଳ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ତେଣୁ ଏକାନ୍ତ ଆପଣାର ମନେ କରି ତାର ଅତି ପ୍ରିୟ କଳା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଥାଏ, ଭଲା ଆଖି ଯୋଡ଼େ ପାଇଛ, ଯିଏ ସେ ଦେଖୁଛି ସିଏ ତ ଭାବୁଛି ତୁମେ କାଳେ ତାକୁ ଚାହିଁଛ, ଭଲା ଆଖି ଯୋଡ଼େ ପାଇଛ। ବାସ୍ତବିକ ଏହା ହିଁ ତ ଆମ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ କରାମତି। ଏ କରାମତି ସେ ଯେ କେବଳ ଏବେ ଦେଖାଇଲେ ତା ନୁହେଁ, ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସିବା ପରି ଖୁବ ବାଳକାଳରୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା, ଏଇ ଆଭାସ ତାଙ୍କର ମିଳିଥିଲା। ଭକିଲେ ତୁଣ୍ଡେ ଗମିଲେ ଦଣ୍ଡେ, ହସ୍ତ ପୋଛି ଦେଲେ ସଖୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡେ, ଦହି ଦୁଧ ଖାଇ ମିଳିଲେ ଚାଣ୍ଡେ, ଅନ୍ଧକୁ ଲୋଚନ ଦାନ ଦେଲାଟି, କେଡ଼େ ଛନ୍ଦ ଜାଣିଲୁ ସହି ନନ୍ଦ ରାଜାର, ଟିକି ପିଲାଟି କେଡ଼େ ଛନ୍ଦ ଜାଣିଲୁ ସହି। ଏ ଠାକୁର ସବୁବେଳେ କୋଳାହଳ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମଧ୍ୟ ଘରେ ଘରେ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ, ଋତୁଚକ୍ରର ଆବର୍ତ୍ତନରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଋତୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ। ପ୍ରାବୃତ୍ତର ଝଙ୍କାର ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଓ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ବେଶ ବିଧିବିଧାନରେ ଆଡମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଇ ଦିନ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଅଲିଅଳି ଭଉଣୀ ମା ସୁଭଦ୍ରା ସ୍ନେହର ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ପାଟ ଡୋର ବା ରେଶମ ସୂତାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଲେ ସ୍ୱତଃ ଆଖି ଆଗରେ ଭାସି ଉଠେ ମହାପ୍ରତାପୀ କଂସର ସେ ବନ୍ଦୀଗୃହ ଓ ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କର କରୁଣ ରୋଦନ। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଦେବକୀ ଓ ବସୁଦେବଙ୍କର 6ଟି ସନ୍ତାନକୁ ବିନାଶ କରେ ମହାପ୍ରତାପୀ କଂସ। ସପ୍ତମ ଗର୍ଭରେ ସ୍ୱୟଂ ଶେଷଦେବ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସଦୟ ହେବାରୁ ଶେଷଦେବ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତ୍ରେତାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ମୋତେ ବହୁ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ହସିଲେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପାଇଁ ତୁମକୁ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନୁହେଁ? ଶେଷଦେବ ଶୁଣାଇଲେ, ନା ପ୍ରଭୁ, ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଅନୁଶାସନ ଓ ଆପଣଙ୍କ କଡ଼ା ଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ନଚେତ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହିଁ ଉଠିନଥାନ୍ତା, ମୁଁ ସେଇଠି ସବୁ ସମାଧାନ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ଦୁଃଖୀ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ତେଣୁ ହେ କୃପା ସାଗର, ହେ କୃପା ନିଧାନ, ଏ ଯୁଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଦ୍ୱାପରରେ ମୁଁ ହେବି ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ, ମୁଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଶାସନ ଭିତରେ ରହିବି ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣ ମୋର ମତାମତ ନେଇ କାମ କରିବେ। ହସି ହସି ତଥାସ୍ତୁ କହିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଶେଷନାଗ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ ମା ଦେବକୀଙ୍କ ଉଦରରେ। ବନ୍ଦୀଶାଳା ଆଲୋକିତ ହୋଇଉଠିଲା, ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ମା ଦେବକୀଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ। ପ୍ରହରୀମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଅଲୌକିକତାକୁ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରି ଖବର ଦେଲେ ମହାପ୍ରତାପୀ କଂସକୁ,
कंस तार पार्श्वचर मानंक सह परम विक्रम रे आगे ऐसे माँ देवकी को विनाश करिबा उद्देश्य रे प्रच्छद पटरे रही हसुथांती भगवान विष्णु मूढ़ जानी परुने कहा को मारिबा को हाथ बढ़ाउछि। तत्क्षणात आलोकर उज्ज्वलता एते अधिक होई जाए जे कंस आउ किछि देखि पारे नाही। ताकु मने हुए जेपरी एक विराट कृष्ण नाग ताकु बारंबार आक्रमण करुछि। जल्दी से सर्प को मारिबा को निर्देश दे कंस बंदीशाला छाड़ी पलाए। रातिरे निदरे मध्य सोई पारे ना ता आखिर निद हजाई दिए से कृष्ण नाग। ताकु मने हुए से कृष्ण नाग ही तंको बारंबार आक्रमण करुछि। प्रहरी मानंको निर्देश दे मो प्रकोष्ठ रे से कृष्ण नाग खूब शीघ्र ताकु निपात कर। भगवान माँ जोगमायांक माध्यम रे देवकिंक गर्भरु एई संतान को नै माँ रोहिणीक गर्भ रे रखंती। देवकिंक गर्भरु आकर्षित होई आसिथिबारु एयांक नाम रखा जाए संकर्षण। ए देवकी वसुदेव मध्य साधारण नरनारी नुहंती। सत्ययुगर वसुदेव थिले कश्यप ऋषि ओ तांकर पत्नी थिले अदिति ओ कद्रु जे कि द्वापर रे जन्म नेले देवकी ओ रोहिणी रूपरे। अदिति माँ अदिति जे जेतेबेले राक्षस मानंकर बहु उत्पात होइथिला सेतिकि बेले पयव्रत करी बामन भगवानंकु पुत्र रूपे पाइथिला बेले कद्रु समस्त नाग संप्रदायंकु जन्म देइथिले। ए जन्म रे देवकिंक गर्भ हरण करी गोपपुर रोहिणीक गर्भ को अणागला अर्थात सेठी रोहिणीक गर्भरु जन्म नेबे शेष नाग संकर्षण। प्रभु बलभद्र ओ देवकी माँ जन्म देवे स्वयं श्रीकृष्ण को जहाँकि आमे मैने खूब शीघ्र मध्य पालन करिबा। तेणु आज आम ए धरा पृष्ठ रे पालन करुछे से बड़ ठाकुर प्रभु बलभद्रंकर जन्मोत्सव। बंदई श्री बलदेव रोहिणी नंदन बंदई श्री बलदेव रोहिणी नंदन रेवती रमण हल मूषण धारण रेवती रमण हल मूषण धारण तुम पादे हे दैनिक रुचि अवसादे हे तुम पादे हे दैनिक रुचि अवसादे हे बंदई श्री बलदेव रोहिणी नंदन। केवल जे बलभद्रंकर जन्मोत्सव आज पालन करा जाए ता नुहे ए दिनटी मध्य गोमातांकर एक प्रमुख पर्व बोध हुए जेहेतु प्रभु गोपरे ए गाई बाछुरी माळरे मेळरे बढ़ी थिले। ए दिन गाई बाछुरी बलद समस्तंकु गाधोई चंदन सिंदूर फूलमाल प्रभृति दिया जाए। खेचड़ी डालना खीरी पिठा प्रभृति विभिन्न प्रकार पिठा मध्य सेमानंकु खाइबाकु दिया जाए थाए। ए तो गला बलभद्रंकर जन्मोत्सव प्रसंग। एबे आसीबा रक्षाबंधन प्रसंग को। एई दिन माँ सुभद्रा लाल ओ हलदिया रंगर राखी श्री जगन्नाथ को अर्पण करिथिला बेले सबुज ओ बैगणी रंगर राखी प्रदान करिथांती बड़ भाई बलभद्र को। चौवन टी लेखाए गुआर माल। एई दिन रे प्रभु श्री बलभद्र ओ प्रभु श्री जगन्नाथ पिंधिथांती। प्रतिवर्ष महासमारोह रे पुरुषोत्तम क्षेत्र रो माँ सुभद्रांक प्रेरित राखी जाए पहुंची थाए तुलसी क्षेत्र रे बड़ भाई प्रभु बलभद्रंक निकट रे। भाई भौनी रो मधुर संपर्क को अधिक जीवंत तथा रसवंत करिबा निमंते रक्षाबंधन पर्वर सृष्टि।
भौणीटी भाई हाथ में राखीटे बांधिदी ईश्वर निकट रे तार सर्वशुभ कामना करी थाए। भौणीटीर संपूर्ण विश्वास थाए जीवन रे जेते विपद आसले मध्य भाई तार निश्चय ताकु रक्षा करिबो। आउ भौणीठारु राखीटे जेतेबेले भाई पाई जाए भाई मध्य वीरत्व तथा पौरुषर गर्भरे होई थाए। गरियान भौणीर मुहरे हस फुटाइबा निमित्त जे कोनसी परिस्थितिर सम्मुखीन हेबाकु मध्य से हुए बद्ध परिकर। केवल जे भौणी माने भाई मानंक हातरे राखी बांधंती ता नुहे, एहाकु एक मंगलर प्रतीक भावे बा आशीर्वाद भावे ग्रहण करी कुल पुरोहित माने मध्य जजमानंक घर को आसी राखी बांधी थांती। अनेक स्थानरे भक्तिर निदर्शन स्वरूप भृत्य माने मध्य मालिकंकर मंगल कामना करी राखी बांधी थांती। समस्त दुख कष्टरु रक्षा पाइबा निमित्त आमे समस्ते आम परिवार रो इष्ट देवतांकु मध्य राखी अर्पण करिथाउ। एहाई त आमर परंपरा। पुराण ओ इतिहास रो पृष्ठ खोलिले बहु तथ्य आमकु मिलिथाए। जेपरी पंच पांडवंकु सदा सर्वदा रक्षा करिबा उद्देश्य रे मा कुंती बांधी थिले जोगेश्वर श्री कृष्णंक हातरे राखी। किंवदंती कहे एकदा श्री कृष्णंकर अंगुली कटी रक्तस्राव हेबारु अष्ट पाटवंशी चिरा कोना पाई समस्ते धाइले, मात्र निज साढ़ीर कानी को चिरी द्रौपदी प्रभुंक हातरे बांधी देथिले, जहाको कि प्रभु राखी भावे ग्रहण करे प्रति मुहूर्त रे तांको पाई बढ़ाई देथिले साहज्यर हात। आहुरी बामन अवतार रे प्रभु भक्त बळी को जेतेबेले पाताल को चापिले अर्थात पातालपुर को पठाइले बळी कहिले प्रभु मुए विशाल राज्य रे एका रहिबी किपरे। प्रभु कहिथिले चिंता नाही मुहे हेबी तोर से विशाल राज्यर द्वारपाल। भागवतकार जगन्नाथ दासंक भाषा रे भक्त मोर प्रिय मित्र हे गोविंद तालागी जगत पवित्र हे गोविंद तार चरण रेणु आसे गोविंद आबुरी थाए चौपासे। बलिर पूजा रे संतुष्ट होई प्रभु भूली गले से गोलक धाम को भूली गले तांकर से बैकुंठपुर को। माँ लक्ष्मी मन मन प्रमाद गणिले कहंती मोर प्रभु केमिति फेरी जे नारद जे सबु कथारे थांती से ही आसी खबर देले जे ता प्रभु को पाइबा आउ एते सहज नुहे। तेनो अत्यंत चिंतित होई उठले महालक्ष्मी केमिति पाइबे। एई अवसर रे आसे रक्षाबंधन उत्सव। तेनो एई अवसर रे महालक्ष्मी राखी नेई पातालपुर रे राजा बळिंक हातरे बांधी दियंती। बळि पचरंती मा कौन मु तोते देवी ए संसार रो समस्त ऐश्वर्य प्राचुर्यर तू ही तो अधिकारिणी तोते मु आउ अधिका देवी कौन। एई प्रश्नर अपेक्षा रे थिले महालक्ष्मी। तेणु तत्क्षणात कहि पकाइले मोर तोर द्वारपाल ही मोर एकांत प्रयोजन मु केवल तोर द्वारपाल को ही चाहे। केमिति मूर्छिबि मो प्राण धन केमिति मूर्छिबि मो प्राण धन सेही परा मोर जीव जीवन केमिति मूर्छिबि मो प्राण धन। तेणु एई राखी बांधी के से पातालपुर रो महालक्ष्मी प्रभु को
ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ। ଆହୁରି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏମିତି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ହେଇଛି, ଯେପରିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ ବଳି ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସେ କିପରି ବା ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ନିପାତ କରିବେ। ଏଇ ବଳି ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ହେଲେ ମାତ୍ର କିପରି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ବିଜୟ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଅଭିଯାନ ଯେତେବେଳେ ଚଳାଇଥିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ହାତରେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ରାକ୍ଷୀ, ଯାହା ଥିଲା ବିଜୟର ସ୍ମାରକୀ ସଦୃଶ। ଆଉ ଇତିହାସ କହେ, ରାଣାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଉଦୟପୁର ରାଜ୍ୟର ରାଣୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଗୁଜରାଟର ଶାସକ ବାହାଦୁର ଶାହଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହୁମାୟୁନଙ୍କ ପାଖକୁ ରାକ୍ଷୀ ପଠାଇଥିଲେ। ଉଦାରଚେତା ହୁମାୟୁନ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ରମଣୀର ଏହି ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଉଦୟପୁର ରାଜ୍ୟର ସହାୟ ହୋଇଥିଲେ। ଜାହାଙ୍ଗୀର, ଶାହଜାହାନ ଏପରିକି ଔରଙ୍ଗଜେବ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ରମଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ରାକ୍ଷୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ତଥା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧୁରରୁ ଆହୁରି ମଧୁରତର କରିଥାଏ ଏହି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ। ଭାଇ ଭଉଣୀର ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଆମେ ବେଶ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରୁ। ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଜାତୀୟ ଦେବତା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ, ରଥଯାତ୍ରାରେ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଦୁଇ ଭାଇ ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ ଜନତାର ବଡଦାଣ୍ଡକୁ। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା, ଏଥିପାଇଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବହୁ ଭାବରେ ଭର୍ଜିତ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଭାଇ ଯେ ମନ୍ତକୁ ଭଉଣୀ ଏତେ ମନ୍ତ କେ କାହାକୁ ନୁହେ ଉଣା, ଗୋପପୁରୀ ରହି ଶିଖିଛ ଗୋସାଇ ଗୌଡ଼ିଆ ବୁଝାମଣା। ତେଣୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ବହୁତ ଭର୍ଛନା କରିଥାନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣାନ୍ତି, ତୁମେ ଯଦି ମୋ ଭଉଣୀ ନାମରେ କିଛି କୁଚ୍ଛା ରଟନା କର, ମୁଁ ସେଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିଯିବି ସିନା, ଆଉ ତୁମରେ ବଡ ଦେଉଳକୁ ଆସିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଛାଡି ପାରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ଭାଇ ଭଉଣୀର ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତ ଆମର ଏଇ ଘୋଷ ଯାତ୍ରା। ପ୍ରଭୁ ବଳରାମ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଶୁଣାଇଥିଲେ, ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଦାଣ୍ଡକୁ ଗଲାରୁ ଆମର ସୁଭଦ୍ରା ଗଲା, ଶ୍ରୀ ଜଗମୋହନ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ସବୁ ତ ପଡିଛି ମେଲା। ତୁମେ ଆମକୁ ତ ଏତେ ଭର୍ଛନା କରୁଛ, ଆମେ ତୁମକୁ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଯାଇଥିଲ କଣ ସବୁ କରିଛ, ସବୁ ତ ସେମିତି ମେଲା ପଡିଛି। ତେଣୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭଉଣୀ ନାଁରେ କିଛି କହିବା ତୋର କଥା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ, ବଳଦେବଙ୍କର ଜନ୍ମ, ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ, ଏହା ଛଡା ବହୁ ମହାପୁରୁଷ ଓ ଯୋଗ ଜନ୍ମା ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଇ ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ହେଉଛି ଜନ୍ମତିଥି। ଆଜିର ଦିନରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ସନ୍ଥ ନିଗମାନନ୍ଦ, ଆଜିର ଦିନରେ ଏ ମାଟିକୁ ପବିତ୍ର କରିଥିଲେ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ଆଜିର ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଏ ମାଟିର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ବିଶିଷ୍ଟ ହୃଦରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାଣ ଡାକ୍ତର କବି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆଭୁମ ପ୍ରଣାମ। ଡାକ୍ତର କବି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କେବଳ ଏତିକି କହିବି, ସେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ଏକ ବିରାଟ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସେବା, ପରୋପକାର,
दानशीलता ए तांको चरित्रर एक एक विशेष गुण पिला दिनु स्वामी विवेकानंद और श्री रामकृष्ण परमहंस जीवनी और दर्शन द्वारा से होइथिले प्रभावित सारा जीवन केवल कर्मर जयगान करी आसिछंती आउ भगवत गीतार से महान वाणी कर्मण्ये बाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन यहाँ थिला तंक जीवन व्रत चेन्नई रो श्री जगन्नाथंकर भव्य मंदिर तंकरी उद्यम रे प्रतिष्ठित आज जन्मोत्सव रे तंकु मोर शतकोटि प्रणाम आउ साधु निगमानंद एमाने एपरी एक एक व्यक्ति सत्ता जहांक संस्पर्श रे आसी दस्यु रत्नाकर मध्य वाल्मीकिंक रूप नियंते भागवतकार जगन्नाथ दासंक भाषरे साधु जे मलय पवन काष्ठ को करन्ति चंदन वास्तविक एई मानंक परे साधुंक सान्निध्य ए जाति को जुगे जुगे मिली थाउ आमे एतिकि कामना करिबा आउ शेषरे आसिबि स्वभाव कवि गंगाधरंक निकट को जहांकर प्रतिभा एते विशाल जे तांको वर्णना करि हेबो नाहि जेपरि पल्लीकवि नंदकिशोर तांकर इंदुमती काव्य पढ़ी कहिथिले पढ़ी इंदुमती काव्य बहुथर सेठारे देखा हुए तुमर मोहर लोड़े नाही देखिबा को मु तुम मूर्ति देखि काले तुटी जीव श्रद्धा तुम प्रति तेणु मु तुमको देखिबा को चाहेनी किंतु दूररो मु तुमको नमस्कार करूछि जहां को के संको जते आमे विशेषण रे भूषित कले मध्य ता तांको पाई छोटो हे जीव वास्तव रे से थिले हीराखंडर हीरा कवि नीलमणि विद्यारत्न तांकर तपस्विनी काव्यर चतुर्थ सर्ग जेते बले पाठ कले जहां आमे समस्ते जानो आश्रमे प्रभात मंगले अइला ओसा से शिक्षक जेते बले पाठ करिछंती समीर संगीत गाए भ्रमर वीणा बजाए सुरभि नर्तन करे उषा निर्देशे कुंभाटुआ होइ भाट आरंभिला स्तब पाठ कलिंग आसिला पाट मगध बेसे ललित मधुरे कहिला उठ सती राज रानी राति पाहिला एको जेते बले कवि नीलमणि विद्यारत्न पाठ करिछंती से अभिभूत होई जीवा संगे संगे कवि गंगाधरन को सम्मानित करिछंती द्वितीय कालिदास भावरे एवं भाव गद्वद कंठरे सुनाई थिले से खाली मोर नुहे मो परिवार रो समस्त सदस्यंक आयुष नै ए कवि जुग जुग पाई वंची रुहंतु कारण तांकर जो रचना तार पटांतर नाही सेथि पाई नंदकिशोर मध्य सुनाई थिले जे जन्मिथांत जदि भव्य उन्नत देशरे बाजिथांत नाम तव दिग दिगंतरे किंतु तुमे दिन कवि रहिब जीवित जेते दिन थिबो भवे ओडिया साहित्य तेणु ए गंगाधर मध्य आम समस्त को सुनई देई जेछंती खूब छोटरे मध्य नकरे नकर मानवे क्षुद्र जीवे उपहास निजर जीवन ज्योति कर परकाश काहाको व्यंग विद्रूप थट्टा परिहास करिबा अपेक्षा निजको केते प्रवृद्ध करि पारुछ केते उन्नत करि पारुछ
से दिगरे आगे आस। कविंकर एई बाणी आम समस्तंकर ध्येय हेउ। ता छोड़ा कविंकर अनेक उपदेश रहिछि, जेपरी अलस लोकर पास को नपसई संपद, मधु आसी मुखे नपसे सोई थिले षटपद। तेणु महु केबे हेले छाय छाय आसी भोरर मुहरे बा मुहुमाछिर मुहरे पड़ी जाए ना, सेथिपाई ताकु किछि परिश्रम करिबा को पड़े। कवि आम समस्त को सेथिपाई बा आमे समस्ते किपरि आलस्य परायण न होइ कर्ममुख रहेबा, सेथिपाई मध्य कवि सुनाइछन्ति चेतावनी। ता छड़ा एई श्रावण पूर्णमी रसराज प्रभु श्री कृष्ण ओ देवी श्री राधांक सह झुलण यात्रा मध्य करिथान्ति। वृंदावन रे हा एक प्रमुख पर्व। ता छड़ा विभिन्न मठ मानंकरे मध्य प्राय 15 दिन धरी ए रास पालित हेले मध्य श्री मंदिर रे मध्य बहु धूमधाम रे 7-8 दिन धरी ए झुलण यात्रा पालित होई थाए। राधा मुख पद्मे कृष्ण भ्रमर राधा मुख पद्मे कृष्ण भ्रमर इच्छा सुखे मधु आस्वादे कर देख गो सखी देख गो राधा माधव रंग देख गो मधुर मिलन जुगलंग। विभिन्न कविंक लेखनी रे जेमती चलचंचल हो जाइछि अप्रकृत प्रेम मूर्ति जय राधा हरे अव्यक्त लीला को व्यक्त कर अवतरी। तेणु केही केही एई गम्हा पूर्णमी को एई जो श्रावण पूर्णमी को गम्हा पूर्णमी मध्य कही थांती। आमर इतिहास कहे आमे केही छोटिया जातिर नहु, आमे समस्ते कलिंगाहा साहसिकाहा। एई दिन वीर माने उच्च स्थानरु तळकु डेई तांकर वीरत्व प्रदर्शन करिथान्ति, जाहाकु गम्हाडिया मध्य कुहा जाए। एमते श्रावण पूर्णमीर कथा वस्तु अनेक, आउ जोठी श्री जगन्नाथंकर कथा आलोचनार परिसर को आसे ताहा स्वतः श्रीमंदिर रूप नहीं जाए। तेणु आमे जोठी थिले मध्य जेमती उत्कलमणि गोपबंधु अनुभव करुथिले थिले जेते जही भारत वक्षरे मणि भी मुअछि अपना कक्षरे मनेत्रे भारत शिला शालग्राम प्रतिक्षेत्र मोर नीलाचल धाम। तेणु आमे जे जोठी थांतु ना काहेकि प्रत्येक अनुभव करिबा आमे जेमती श्रीमंदिर रे थाई प्रभुंकर से अलौकिक लीला रे आमे समस्ते अवगाहन करुछे। आउ प्रति मुहूर्त रे से कालिया ठाकुर को आमे समस्ते प्रार्थना करिबा। नील सिंधु तीरे बुड़ो देउथिबी ए देहु पातक छाड़िबा जाए, ए देहु पातक छाड़िबा जाए जग मोहन रे डका परुथिबी मुडाको तोकाने पड़िबा जाए, मुडाको तोकाने पड़िबा जाए मुक्ति मंडप रे मुंड पिटुथिबी मो पापर विचार सरिबा जाए, मो पापर विचार सरिबा जाए कळप बटरे कळपना सुता बंधुथिबी आशा मेंटिबा जाए, बंधुथिबी आशा मेंटिबा जाए। तेणु से हे जेतु आमको एक एक संसारी जीव भावे एठाकु पठेइछि, ए सब गुण आम समस्तंकर निश्चय रहिबो। तेणु आमे एथिरु किपरि मुक्ति हब हेबा ता होउछि तार कर्तव्य। तेणु आमे समस्ते सेई भक्त बिल्व मंगलंकर कंठरे समस्ते एक स्वर होइ तंकु डाकिबा। संसार कुपे पतितो त्यगाथे मोहांध पूर्णे विषयाभितक्ते करावलंबं मम देहि विष्णु गोविंद दामो
दर माधवे ते गोविंद दामो दर माधवे ते गोविंद दामो दर माधवे ते आम एहाय होची संक्षेपरे जे श्रावणी पूर्णिमा रो महत्व एवं आमे समस्ते एई सब रीति रे हे श्रावण पूर्णिमा पालन करी थाउ आउ आपण मानकर अधिक समय नेबि नाहे आपण माने मते धैर्य रो सहित समस्ते सुनिथिबारु मु आपण मानकर निकट रे चिर कृतज्ञ आउ गोटे कथा हरि अनंत हरि कथा अनंत तेन तांको कथा रो केबे हेले परिसमाप्ति नाहे जेते देखुथिले नुआ दिसु थाई रीति रे ताहा असरंती एवं जेते सुनिले मध्य सब बेले नुआ नुआ सुनिला परी मने हेथाय जाहो आपण माने एमती एक प्रवृद्ध समाज मते आपण मानंक गहन रे एतिके कहिबा पई सुजोग देथिबारु मो आपण मानंक निकट रे चिर ऋणी रहुछि। जय जगन्नाथ। धन्यवाद मैडम, बहुत सुंदर भावरे आपण व्यक्त कले श्री मंदिर रे आमे कि परि श्रावण पूर्णिमा करूछे ता सहित आज दिन महात्म्य को नहीं आपण विभिन्न साहित्यिक मानकर कथा उत्थापन कले जोटा कि बहुत सुंदर लगिला। डॉक्टर कवि प्रसाद विषय समस्त जानते किंतु ठीक समय उपस्थापन करवा सहित आम मातृभूमि मातृभाषार ममता जाऊ दे जन्मे जाए ताकू जदि ज्ञानी गण से गणवे अज्ञान रही कहीं से मेयर सार को आप सब मन पकोचे कि दिन टा को आज आरी सांगे मिसी जाइए ये जो महत्वपूर्ण दिन टी आम प्रकृत भूली पारे श्रीमंदिर परंपरा अनुजाई पाटरा विषोई सेवक मैंने किपरि पाट सूतार परंपरा अनुजाई पाट राखी प्रस्तुत करपरि विभिन्न रंगर राखी बन दे था सुभद्रामा एवं चौवन टी जो गुआर माल श्री बलभद्र एवं प्रभु जगन्नाथ पिंधि था गोटे बहुत बड़ कथा मैडम आम शुणिले सेमती श्रवण नक्षत्र मकर लग्न जो बलभद्र बड़ ठाकुर जन्म नहीं आम जान ले पढ़ी देले कौट शुणीदे कि लग्न से जो श्रीमंदिर से लग्न केमती जन्म नीति पालन कराए से विषय जान ले श्रीमंदिर दीपर भोग समय आरंभ करी विभिन्न सब स्वतंत्र नीति कांति रही जोटी की केवल आम कहानी तीन ठाकुर कथा से सुदर्शन चक्र चक्रराज सुदर्शन को मार्केंड पुष्करणी आणिकी विजय कराए श्री बलभद्र मृन्मय प्रतिमा निर्माण करी पूजा पंडा सेवक मान जीवन्यास दिये जातकर जितेक सब कार्यक्रम रही सब संपादित करती कम बड़ कथा नुह पर पंच उपचार नीति संपन्न करी शीतल मनोहि बंदावना पर मृन्मय प्रतिज्ञा को आणिकी पुष्करणी विसर्जन पड़ी करती छोटिया छोटिया कथा को आम जान नौ जो बड़े महान व्यक्तित्व मानक आम डाकू से आमको ये विषय कहते वास्तविक आम आज आम बहुत निजक गर्व अनुभव कर श्रीमंदिर केवल जे राखी बांधी कार्यक्रम समाप्त हुए ता नुहे सहित केते गुड़े रीति नीति जड़ित रही जमती मैडम कहते श्रावण पूर्णिमा ओडिशार पुरपल्ली कृषक मान हल लंगल पूजा करने सहित गोर गाई सिंह केमती अबीर लगे दिखती फुलमाल पिंधे दिखती पिठापणा खावाक दिखती बामर पारलाखेमुंडी हो ब्रह्मपुर नयगढ़ जगार से मैंने जो गम्हा डिया करती भी बहुत बड़ समर कलार एक अंश विश्वास ये विषय कहले ए समस्त कार्यक्रम को आम कार्यक्रम को आज वृद्धिमंत कर अनुरोध करी बीणापाणी मैडम जॉइन कर लेनी बीणापाणी चौधरी मैडम फ्रॉम ओडिशा स्टेट काउंसिल हमरो स्टेट काउंसिल ऑफिस रु से ऑफिस रे वर्तमान अछि त अनुरोध करितली से ऑफिस रु आज धन्यवाद देबे अनुष्ठानिक भाबरे ता पूर्वरु म अनुरोध करबि हमरो डॉक्टर प्रियंबदा सामल मैडम अछि कि जवाहर विद्यालय छात्र मैडम गुटी कविता आपनकर पढ़ी दियंतु भल लागिव ए राखी पूर्णिमा ऊपर तापरे मैडम बिना पड़े मैडम धन्यवाद देवे मु कार्यक्रम को सारिबा तापर बोलू हमें सर्टिफिकेट प्रदान करबा आज दीप्ति साहू रथ श्रेणी नानबुलांस एसोसिएशन पुरी रो दीप्ति साहू को जय समस्त नमस्कार। भाई भणी रो पवित्र संपर्क एक नियारा संपर्क जहा को नेकी राखी पूर्णिमा एवं हमरो आरती मैडम बहुत सुंदर भाव रे आज रो पवित्र अतिथि रो
विषय को बहुत सुंदर भाव वर्णना कले तेणु मोर से उपरे कहबार ना कविता टे पढ़ा आसी तेज यही जनप्रिय पारंपरिक हिंदू पर्व भाई भणीर संपर्क को दृढ़ कै एवं यही दिन भौणी भाई हाथ में राखी बांधि तार उज्जवल भविष्य प्रार्थना करे एवं भाई भौणी को सुरक्षा देवाई संकल्प करें तेरे पुराण में राजा बलि ठार आरंभ कर इतिहास मोगल सम्राट ह्युमान श्रीकृष्ण अत्याचारी शिशुपाल बध करने समय द्रौपदी निजर पिंधा कानी साड़ी चीरी बांधि तहार जो भौणी स्नेह थिला ताहा कुरुश स्थले श्रीकृष्ण तांकु वस्त्रदान कर द्रौपदी सम्मान रक्षा करश्वर एकमात्र ठाकुर जी की जगन्नाथ निजर भाई और भौणी को नहीं रथयात्रा लक्ष लक्ष भक्त को देखा दिखते तेणु भाई भीर यह पवित्र संपर्क महान से आज पर्व समस्त को अभिनंदन एवं मोर कविता रक्षाबंधन उद्देश्य प्रेमवदा सामल मु छत्तीसगढ़ रु जॉन कर कविता शीर्षक रक्षाबंधन श्रावण मासर पूर्णिमा तिथि रे पालित पवित्र पर्व हिंदू समाज रे भावर बंधन अटई ताहर गर्व भाई भौणीर अतुट बंधन स्नेह ममता प्रतीक सुता खियाटिए नुहे परा से ही सुरक्षा का बचो एक चाही रहे थाए गम्हा पूर्णिमा रे भाई टे भौणी को स्नेह ममता रो डोरी टे टाणे भौणीर हृदय को मर सके थोरी ए राखी पूर्णिमा भावर बंधन आम समाज रे पवित्र दिवस पाले आनंदित अक्षत फूल रे मनाए भौणी मंगल मनासी सर्व भाई कु ताहार शुभरे रखंतु भाई तता पाई गर्व सुरक्षार डोर केते से मधुर सुमधुरा तारा स्मृति भौणीर सुख दुखरे सर्वदा भाई रखी थाए मती पुराण कालरु आद्यवधि जाए राखीर स्वतंत्र स्थान सुस्थ सुस्थ संस्कार समाज गठने संस्कृति अटे महान पुराण कालरु अद्यावधि जाए राखीर स्वतंत्र स्थान सुस्थ ओ संस्कार समाज गठने संस्कृति अटे महान धन्यवाद जय श्री जगन्नाथ बहुत बहुत धन्यवाद मैडम को थैंक यू सो मच मीना मैडम प्रदान अनुरोध करीप्ति साहू सैन्य एम्बुलेंस पुरी जो आज मुख्य अतिथि को अनुरोध करी वर्चुअली प्रेजेंट करने आरती मैडम दीप्ति साहू दयाकारी रिसीव करिवे आगे मैडम दीप्ति साहू पुरी आज कार्यक्रम आम सहित सामिल है आम मान को समय दे आम को मन रखापी छोट एक मोमेंट प्रदान करी डॉक्टर आरती मैडम को जय
जगन्नाथ कल्चर उपरे से आहुरी एंती आलोचना करू थांतु एवं आहुरी गवेषणा करंतु हमको किछि किछि नुवा तथ्य देउ थांतु एवं हम सहित सब एंती शामिल हो थांतु एही आशा रखिबी मैडम धन्यवाद वर्तमान अनुष्ठानिक भाव धन्यवाद दबा पाई मैडम बीणापणी चौधरी प्लस टू काउंसिल रु ऑफिस रु जग देछनी ताको अनुरोध करबी मैडम बीणा मैडम समस्त मोर विनम्र प्रणाम शुभ संध्या आज 171 तम आवासी कार्यक्रम को मु स्वागत करवा तो सरी जाइए तथा मो तरफ रु स्वागत सहित विनम्र प्रणाम और साधुवाद जनाऊे समस्त को एवं वरिष्ठ विशिष्ट एवं श्रेष्ठ विज्ञ प्राज्ञ व्यक्तित्व को मोर भूमिष्ठ प्रणाम जनाऊे आसर उपस्थित अतिथि मुख्य अतिथि तथा मानने वरिष्ठ विशिष्ट लेखिका सुलेखिका जेकि मान लब्ध प्रतिष्ठित स्तंभकार कहले अत्युक्ति हम ना डॉक्टर आरतिकर महोदय को मोर विनम्र प्रणाम सहित साधुवाद जनाऊे नमस्ते मैडम एवं प्रणाम जनाऊे यही कार्यक्रम मुख्य पुरुधा तथा कर्णधार एक नमिता मैडम महोदय को मोर प्रणाम जनाऊे यही कार्यक्रम उपस्थित अन्य अतिथिवृंद को मोर प्रणाम जनाऊे इप्सिता मैडम जे कि वेद पाठ कले मोर साधुवाद सहित यथामान्य सम्मान एवं प्रेमदा सामल मैडम को मोर मध्य साधुवाद सहित शुभेच्छा जनाऊे यही कार्यक्रम ये जो एत उन्नत मान कार्यक्रम जहाँ को कभी मुझे भाव नी एत विशिष्ट जो मुख्य अतिथि रखी जो अतिथि मान ये उपस्थित अच्छा यह निश्चित भाव विरल कार्यक्रम कहले अत्युक्ति हम ना आती मत जो धन्यवाद पर्व दि जाए से मु कृतज्ञता ज्ञापन करमिता मैडम महोदय को जी धन्यवाद गोटे औपचारिक समस्त या भितर आरती मैडम नमिता मैडम जे प्रियमदा मैडम परस्पर कथा कथा माध्यम रे से परस्पर को धन्यवाद समस्त धन्यवाद दिया निया सरी जाए कहले अत्युक्ति हम ना कि जेहेतु औपचारिक दृष्टि मत दि जाए से मु नमिता मैडम पाखे आउ थे कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची कारण ये जो विशिष्ट अतिथि अच्छा जो आम पाखे श्रोता बंधु मान अच्छा कहीं कम गुण से मानने कौन सी गुण से कम नहांती निज निज दक्ष से मैंने बयान तेणु धन्यवाद देवा मो गोटे धृष्टता मात्र तेणु जत्किंचित मु पारिबी निश्चय धन्यवाद मोर शब्द रु कि प्रदान करी प्रथम धन्यवाद देवी यसर को समस्त अतिथिवृंद जो मैंने धर्जर सहित उपस्थित अच्छा आ धर्ज धरई जे से होंगे से डॉक्टर आरतिकर महोदय आउ कई नुहति जे मु आरतिकर मैडम को तो ये देखुनी मैं कौ काल देखी आस मंच देख आरती मैडम बस थे आउ न कहले से कथा कह सारे ना खराब भावे किंतु कि कह पड़ो जो आरती मैडम आप बक्तव्य विरती निली कहीं से एमती कहते श्रोता मंद शुणुवे राति पाई सर कि बार्ता दिखते मानते जहाँ अवर्णन्य आज मुझे शुणुली से प्राचीन ठार आधुनिक मध्यवर्ती कालीन भितर जहा जा घटी जाइए कहले एवं ऐतिहासिक आध्यात्मिक को भी वर्णना कले कौ मोगल साम्राज्य साम्राज्य ठार आरंभ कर आध्यात्मिक जगत रे राखी बंधन केमती केमती पालन करा जाऊ थिला ता मु तांको ठार शुणी आश्चर्य हेली
आम एम साधारण जानू राखी बंधन ठाकुर को बंधा जाए आ भाई भी बंधा जाए कि कतोटी अलौकिक दृष्टिकोण को नहीं जो आम पाखे आलोचना कले यह मत नुह अन्न मान समस्त निश्चित अवगत होती जिज्ञासा रही तो बहुत नूतन तथ्य आम पाखे परेषण कर कह भी मैंने बाहुल्य हेनी कौटू कौटू से कलेक्शन करते दक्षा सुदक्षा महिला जो वर्णना करवा धन्यवाद सीमित हम ना तथापि मुझे धन्यवाद देवी जे केमती श्रीमंदिर आीक्षेत्र जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा एवं सामाजिक आध्यात्मिक पौराणिक जगत रे केमिति केमिति रक्षाबंधन और बंधनटा केमिति थाए केवल राखी बांधिदेले जे बंधन हुए ताहा ही नुहे जोटा कि आमको आलोचना कालीर जो पेपर बा मीडिया रे देखुथिली बंधन गोटे एमिति बंधन जोटा कि स्नेह ममता एवं आमर प्रकृति परिवेश को मध्य बांधि रखिबार गोटे कमनीयता रहिचे ताको आरती मैडम ही परिवेषण कले से किसी भी छाड़ी नहांती आम छोड़ सब गुडाक आम पाखे वर्णना कर भाषा दे धन्यवाद देवी से मोर अज्ञता एवं मो भाई अकिंचना धन्यवाद दबा भी दुष्टता मात्र कि सोपता दृष्टि मुझे अशेष अशेष धन्यवाद आंतरिक धन्यवाद कृतज्ञता सहित मुझे प्रदान करुच्ची से आउ थे केम आसर में जोग दिंतु बोली मुझे आह्वान करुच्ची धन्यवाद दबारे मोर कार्पण्यता भी ना कि मुझे पारि ना मुझे स्वीकार करुचे तथापि धन्यवाद मो तरफ आम अनुष्ठान तरफ आम ये समस्त अतिथि तरफ अजस्र अजस्र धन्यवाद सहित कृतज्ञता ज्ञापन करुचे धन्यवाद जनईबी प्रियमंदा मैडम सुंदर कविता परेषण कले जोटा कि राखीबंधन उद्दिष्ट थिला जहा हो शेष समय जो कविता परेषण कले अत्यंत मर्मस्पर्शी थिला कविता मुझे धन्यवाद प्रदान करुच्ची ईप्सिता ईप्सिता से सुंदर भाव वेद पाठ कले मोर धन्यवाद सहित शुभेच्छा जनाऊँ ईप्सिता गोटे पिला जे कि सब बेले आसर सहित कर्मचंचल था किए था न था ईप्सिता आगे आस पहुंच जाए सब कार्यक्रम किंचित मात्र मान कि गोटे कार्यक्रम अंशग्रहण कर निश्चित भाव से सक्षम होती से छोट पा को मोर अजस्र धन्यवाद आ सब बेले भविष्य कामना करुच्ची से एमती आसर से आसतु एवं सुंदर सुंदर श्लोक वेद पाठ करू था उत्तर उत्तर कामना करुचे धन्यवाद देवी मुझे बीणा अपा अच्छा मो पाखे प्रणाम जनाऊँ और धन्यवाद दूचे सी आम पाखे सब बेले था आशीर्वाद आम पाखे था आलोचना चली था आम श्रीमंदिर श्रीक्षेत्र जहाँकि आरती मैडम कहले श्रीक्षेत्र तुसी क्षेत्र शबर क्षेत्र जिते क्षेत्र जहा जा बंधन सब आरती मैडम आम पाखे सब उपस्थापन करें जान ले बहुत कथा तो आउ जो अतिथि मान अच्छा नाम मुझे नहीं पारना क्षमा करेंगे मो अफिस फेरनी तेणु मोर समस्त अजस्र धन्यवाद जनाऊे परिशेषे धन्यवाद देवी ये संपर्क को जोड़ी से आउ कई नुहंती डॉक्टर नमिता मैडम महोदया प्रथम कही सी एमती कार्यक्रम करोकित्व को जोड़ी था जहा कल्पना बाहर आप चिंता कर आज गोटे भावुवे गोटे आसर करदे थे आसिक 171 आसर कले कि कम कथा नुहे मैंने भाविला बेलू भी कष्ट लगुच से निजे आमको जोड़ू से जो आम परस्पर गोटे देखा साक्षात होचे गोटे आसर जमुचे बहुत किसी जानूचु उपादेय शिक्षण अच्छी भावि नए किए किए आसी पहुंच जाऊंट मैंने केमी कौन कलेक्शन करती से जगन्नाथ कृपा जमती आज आम पाखे आरती माँ आसी उभाई मानने माँ देवी कहले अत्युक्ति हम ना से आम पाखे कौन न कहले मैंने समस्त शुणी थे मुझे आउ व्याख्या चाहूना
सुदूर खाली ओडिशा नुहे पूरा पल्लू झारखंड हाँ कहुची जे खाली ओडिशा नुहे ओडिशा बाहर विभिन्न जगार झारखंड हो बॉम्बे हो दिल्ली हो इवन यूएस रे भी लोक मैंने से ए आसर रे आम पाखे उपस्थित थांती एवं बहुत समय धरी धैर्य धरी सुनु थांती से माने तांकर वक्तव्य मध्य प्रदान करी थांती तुम समस्त को मु एठी धन्यवाद प्रदान करूची ए परिशेष रे कहि आसुथली नमिता मैडम को धन्यवाद तांकु भी सेम धन्यवाद को भाषा देबी मु मोर भाषार अभाव सब जगन्नाथ प्रेमी से सब कतबे सामाजिक हो कि आध्यात्मिक हो केत क्या क्या जोड़ी था आश्रम मध्यम देखा पाऊ से मोर सौभाग्य क्या सब ठाकुर सब देवादेवी मान विषय जिते आलोचना चक्र चली थाए तो यही आश्रम मध्यम जो साक्षात करुचे परम आराध्य देवता देवी मान को सी ही आमर जहा कहले मैंने धन्यवाद दबार मान कि मैं भाषा भी अभाव जाके ठाकुर मान को देखी पारे बड़ सौभाग्य एवं आमर केमती कौ काल गोटे रही आ बंधन जे कि आम मान जो ठाकुर कथा आलोचना हुए मत से आध्यात्मिक लोक मैंने नहले गोटे ठाकुर आलोचन बसी पार ना मु भावुची समस्त आध्यात्मिक धर्मी व साहित्य रुचि रखुवा लोक मैंने ही आसर रही था से बाछी बाछी गुणी चिन्ह गुणिया भोली से समस्त को आनी एठी आनी उपस्थापन करी आ मुख्य अतिथि एमती बाछी था जहाँकि अवर्णनीय जमती मैडम थी तेणु से दृष्टि नमिता मैडम को मोर आंतरिक धन्यवाद सहित कृतज्ञता ज्ञापन करुचे त्रुटि थी क्षमा करेंगे मुफिस जाइना ठीक अच्छे मोर धन्यवाद पर्व सब समस्त पुणी विनम्र प्रणाम कर गेट पाखे ठिया अफिस स्पेशल थैंक्स सुनिश्चिता मैडम को देवी एवं परिशेष जो मानक जो आज कार्यक्रम सफल होर्सनाली हृदय सहित धन्यवाद देवी हृदय मध्य लिचाराम जी मोहम्मद डॉक्टर मोहम्मद ओसामा लिता देवता नरेन्द्र देवरी संबलपुर निरंजन विश्वास ब्रह्मपुर प्रेमदा मैडम कविता बोलिले झारखंड छत्तीसगढ़ रु सुनीता मैडम रांची यूनिवर्सिटी रु एमती बहुत जन अच्छा जयवीर सिंह फ्रम पुणे महाराष्ट्र रु सतीश जी फ्रम झारखंड एमाने जो सब जोग दउछन्ति एते खुशी लगुची संबलपुर रु नरेन्द्र सार केवल एक नए से सांगे पचीस जन घर बसई थे ये जो स्नेह ये भल पाइबा आम को नुह जगन्नाथ को जगन्नाथ को आम एमती भल पाइले आम तुम्हें आशीर्वाद पाइबा कौपरी भाव में दिल्ली रु सुमन गर्ग जयन कर किसी बुझीपारती कि से केवल जगन्नाथ को देखा आसती पाखे कोटि कोटि प्रणाम एक्सचेंज माय हार्टफेल्ट थैंक्स टू ऑल द फ्रेंड्स फ्रॉम आउटसाइड ओडिशा फॉर बीइंग प्रेजेंट विथ अस फ्रॉम मैडम गुजरात फोन के भूल गए विक्रम जी फ्रॉम गुजरात तो आई एम ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग विथ अस इन ऑलमोस्ट ऑल द वेबिनार्स एंड मेक दिस प्रोग्राम अ ग्रैंड सक्सेस थैंक यू वेरी मच नाउ आई वांट टू टेक अ ग्रुप फोटोग्राफ मे आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू to unmute your video so that we'll have a photograph session and by that time I must stop the recording and we'll